अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं आप लोग अच्छे और खैरियत से। दोस्तों यार, कल मैंने कबूतर बंद किया और अपना एक कबूतर बाहर रह गया, तो बैठा हुआ है बाहर ही। बहरहाल उसके ऊपर बंधा हुआ है क्योंकि इसको नया पकड़ा था अभी, वो पट्ठा ही है नया, बिल्कुल नया पट्ठा ही है, तो अंदर जाने के लिए परेशान है। तो इंशाल्लाह आज उसको पर भी खोल देंगे। बहरहाल अभी तो वो परेशान है, आइए अपने कबूतर को फटाफट से खोलते हैं और तने वगैरह लगाते हैं अंदर केज में, देखते हैं क्या अपडेट है क्या नहीं। तो दोस्तों कबूतर अपने अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुके हैं, अभी एक एक करके बाहर निकलेंगे और छत काफ़ी गंदी होगी, इंशाल्लाह इसको भी साफ़ करना है। तो फिलहाल आज नहीं, कल या परसों में इंशाल्लाह इसको छत वगैरह पूरी साफ़ करेंगे। बाकी कबूतर अभी अपने एक एक करके निकलते हैं, बाकी कबूतर इसमें अभी एक भी कबूतर नहीं निकले, पता नहीं क्यों। बाकी अपना जो पट्ठा था वो अंदर जाके बैठ चुका है। तो दोस्तों अपने रॉकी की पैर को भी खोल देते हैं और देखते हैं आज ये उड़ते नहीं उड़ते रोज की तरह। तो अभी दोस्तों दाना नहीं डाला है। बहरहाल जो दाने वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो वही अभी फिलहाल खा रहे हैं। कबूतर सारे निकल जाते हैं, उसके बाद इनको दाना लगाते हैं। रॉकी का पैर तो निकल गया है और दोस्तों बच्चा भी बाहर आके बैठा है, तो शायद ये भी नीचे उतरेगा। बहरहाल अभी तो बैठा हुआ है भाई, उनको फटाफट से दाना लगा देते हैं और दाना वगैरह खाएंगे। दोस्तों यार, ये चांद भाई ने पट्टा दिया था, इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, मेडिसिन दे रहा हूँ प्लस इसको हैंड फीड भी दे रहा हूँ। बाकी ये कल से खाना वाना छोड़ चुका है, तो बहरहाल मैं इसको खुद से खिला रहा हूँ। बहरहाल बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब सी हो गई इसकी, और दुआ करें यार दोस्तों कि ये बच जाए। बहरहाल मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बचा लूँ। बहरहाल आज इसकी काफ़ी कंडीशन ख़राब है, तो दुआ करिए दोस्तों, और बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, इसको जिसने ज़िंदगी देंगे उतनी मिलेगी। बाकी दोस्तों अपने लाल के पैर ने भी यहाँ पे अंडे लेकर दिए हैं, और पंजाबी का बच्चा भी ठीक है, इसको भी मैं हैंड फीड दे रहा हूँ, खुद से खिला रहा हूँ इसको भी। बाकी अपने कलदुमी अंडों को इंक्यूबेट कर रही है, इंशाल्लाह इसके भी बच्चे जल्दी निकलने वाले हैं। और बाजू वाले केज में दोस्तों, इस वाले केज में एक इसका बच्चा निकलने में भी थोड़ा सा टाइम है, एक दो दिन तीन दिन। बाकी इनका भी अभी थोड़ा टाइम रहता है क्योंकि इन्होंने सबसे लेट में अंडे दे दिए। बाकी इसके अंडे में कल रात में मैंने देखा था करेक आया हुआ था, तो इंशाल्लाह इसके भी आज या कल में बच्चे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी अपने मको के बच्चे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं, तो बच्चे को दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फीड वीड करा रहे हैं, तो दोनों बच्चे ठीक हैं। बाकी अभी अपने रॉकी का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह से इतना बड़ा हो चुका है और खुद से भी अब ये खाने लगा है धीरे धीरे। बाकी वो फिर से अंडे पे आ रही है अपने रॉकी की फीमेल, तो इंशाल्लाह दूसरे फिर से अंडे लेकर देगी। बहरहाल ये रॉकी का बच्चा नहीं, अपने खैरे का बच्चा है, तो अच्छा है, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पट्टा मैंने पकड़ रखा था, तो इसका पर बंधा हुआ है, इसको इसका पर खोल देते हैं और देखते हैं कि रुकता है जाता है। बहरहाल पर बंधा हुआ है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा सुस्त भी है, तो आइए इसको पहले पर वर खोल देते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों पर मैंने इसका खोल दिया, इसकी दिक्कत ये है इसको लूज मोशन आ गए, तो इंशाल्लाह मेडिसिन देते हैं इसको आज और थोड़ा सा इसको रेस्ट देते हैं, आराम अंदर ही छोड़ देते हैं। बाकी हैंड फीड भी आज इसको इंशाल्लाह दे देंगे, तो जल्दी रिकवर कर जाएगा। थोड़ा सा सुस्त ढीला हो गया, लूज मोशन में जो चल भी नहीं पा रहा ठीक से। बहरहाल इसको मेडिसिन देते हैं और देखते हैं, इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा इसको। बाकी अपने सारे कबूतर दाना वगैरह खा चुके हैं और कुछ कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ कबूतर नीचे हैं, बाकी केज के अंदर जा चुके हैं। और जो
अंडे पे है, तो वो अंडे को इंक्यूबेट कर रहे हैं प्लस अपने बच्चों को इंक्यूबेट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो अपने चांद भाई ने लाल का वाला बच्चा दिया था, तो उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहरहाल उसको मेडिसिन वगैरह दे रहा हूँ और दुआ करें कि वो ठीक हो जाए जल्द। बाकी जो मैंने बच्चा मतलब पट्ठा पकड़ रखा है ना, तो वो भी थोड़ा ढीला लूज मोशन हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी मेडिसिन देता हूँ। और दुआ करें कि दोनों बच्चे अपने ठीक हो जाएं। और बाकी जो केज में बच्चे निकले हुए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, और दुआ करें कि वो सब बराबर ठीक रहें और अच्छे से खा पी के बड़े हो जाएं। बाकी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।